हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रब फिला इंटरनेशनल के बारे में, उसके बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं रब फिला इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी हार्ट रेजिस्टेंट लेटेक्स रबर थ्रेड बनाती है, साथ ही में कलर्ड रबर थ्रेड बनाती है, फर्नीचर ग्रेड रबर बनाती है जो फर्नीचर के लिए यूज आता है, उसके बाद रबर थ्रेड फॉर मेडिकल एप्लीकेशन और रबर थ्रेड फॉर फूड और मीट पैकिंग एक्सेट्रा। तो एग्जैक्टली ये रबर थ्रेड बनाती है जो बहुत सारे सेक्टर में यूज आता है। अब यहाँ पर कंपनी डेटा की बात करें तो मार्केट कैप है 522.87 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पीए 14.91 और कंपनी का पीए 11.34। तो ये आपको इंडस्ट्री के पीए से काफ़ी क्लोज प्राइस पे आपको मिल रहा है। तो इसका जो मतलब एकदम फाइव ईयर हाई जो प्राइस है उसके काफ़ी क्लोज में आपको ये इसका जो शेयर प्राइस है वो आपको मिल रहा है और बुक प्राइस भी अगर आप देखेंगे तो 2.65 टाइम्स में आपको शेयर मिल रहा है। तो अगर आप देखें तो कंपनी जिस हिसाब से काम करती है तो उस हिसाब से ये आपको एक महंगे प्राइस पे मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 80.17, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। इसका बीटा है 0.00, इट मीन्स कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस उसके ऊपर नहीं रहता है, इसको अगर ऊपर जाना है तो जाता है, नहीं जाना होता तो ये नीचे जाता है। तो ये मार्केट के हिसाब से काम नहीं करता है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 218.96 करोड़। 2019 के बाद करें तो 218.68 करोड़। तो कंपनी का जब रेवेन्यू इतना था तब कंपनी को होता था मुनाफा 21.08 करोड़ का और 2019 में 17.70 करोड़ का। 2020 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 263.04 करोड़ का था, तब कंपनी को 16.87 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट का डिक्रीमेंट है उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और उसमें सबसे पहले जो अपने रॉ मटेरियल का एक्सपेंसेस आता है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आता है, वो कंपनी के बढ़ गए थे। उस वजह से यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन हुआ है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। 2021 की बात करें तो तब कंपनी को 325.50 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अर्न किया और तब कंपनी ने 33.42 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो अच्छा खासा कंपनी ने रेवेन्यू और प्रॉफिट अर्न किया है और आगे भी कंपनी अगर इसी तरह काम करती रही तो काफी अच्छा खासा आपको शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। और लग तो यही रहा है जिस हिसाब से कंपनी काम कर रही कि कंपनी का रेवेन्यू और भी ज्यादा बढ़ेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास है 62.39% का स्टेक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 0.12% का स्टेक और पब्लिक के पास है 37.49% का स्टेक। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च में 114 करोड़ का सेल्स था, जून में 97 करोड़ का सेल्स था और सेप्टेम्बर में फिर से इंक्रीज होकर 122 करोड़ का सेल्स हुआ है। तो अगर आप पिछले ईयर के क्वार्टर से या फिर पिछले सालों से कंपेयर करते हैं तो कंपनी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न किया है। एक्सपेंसेस डिडक्ट करके, सब डिडक्ट करके नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च में 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जून में 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और सितंबर में 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो ये कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू स्टेटमेंट है जो अच्छा खासा चल रहा है, मतलब इतना भी लाइक जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का अच्छा खासा है, इतना भी गंदा नहीं है। रिटर्न रेशियोज की बात करें तो जैसे कि मार्च में अगर आप देखें तो 13.33% का रिटर्न ऑन इक्विटी था, मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उस पर इतना रिटर्न, जो शेयर होल्डर्स जो पैसा लगाते हैं एक कंपनी पर, जो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं उस पैसों से कंपनी कैसा काम करते और रिटर्न देते, तो 13.33% का रिटर्न था इन 2019। 2020 की बात करें तो 11.08, मतलब यहाँ पर जो आप डिक्रीमेंट देख रहे हो वो रेवेन्यू और रेवेन्यू नहीं, वो प्रॉफिट की वजह से यहाँ पर डिक्रीमेंट है। 2021 में फिर से इंक्रीज होकर 16.95% का आरओई है।
मार्च की अगर आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी के कैपिटल पे कंपनी कैसा काम कर रहा है और रिटर्न दे रहा है, 17.72% से यहाँ पर 2021 में 20.98% का रिटर्न दिया है, तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन एसेट्स में भी 11.23% से 13.08% इन 2021 इतना इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी के जो रिटर्न रेशो से अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं, और इंक्रीज क्यों नहीं होंगे, कंपनी का जब रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो रिटर्न भी इंक्रीज होना ही है। लेवरेज की बात करें तो जो लेवरेज लिया था इन 2020 में वो भी क्लियर ऑफ कर लिया है, तो ये एक और अच्छी बात है। इन 2021 कंपनी के पास कोई भी ऑन डेट नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ नजर आया 2021 में 178.44, नहीं इन 2020 का यहाँ पर डेटा दिया हुआ नहीं है, और 2021 में इतना इंटरेस्ट, तो यहाँ पर एक अच्छी बात है कि इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की अच्छी खासी है। मार्च से कंपेयर करें 2019 से कंपेयर करें तो थोड़ा डिक्रीमेंट है, पर ठीक है इतना अच्छा है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है, तो रिटर्न रेशोज ऑफ फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5-year high है 124.80 और करंटली ये 96.35 पे ट्रेड कर रहा है। 1.26% फ्राइडे को अप था, 1.20 rupees ये अप था। तो अगर आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो अच्छा खासा मौका है। अगर ये शेयर आपको 89 या 90 पे मिलता है तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट, मतलब आप इसमें निवेश कर सकते हैं, और उसके बाद 100 या 105 का आप इसमें टारगेट सेट कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी इस शेयर को आप रहने दीजिए, क्योंकि अभी इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ये शेयर और भी ऊपर, शेयर का जो प्राइस है वो और भी ऊपर जा सकता है, तो आप इस शेयर को होल्ड करके रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।